बचपन से ही मुझे कैमरा, वीडियो, फोटो एडिटिंग का बहुत शौक था, करता भी था बचपन में। आज से 7 साल पहले सेकेंड हैंड DSLR भी लिया था। हाँ हाँ, पापा ने दिलाया था, वो आज भी है। बहुत अच्छी अच्छी फोटोज भी खींची हैं DSLR से। उस टाइम पे लगता था भाई हीरो तो सिर्फ एक ही है। शौक तो बचपन से था और फिर मेरा शौक बढ़ता गया और मैं चीज़ें कर करके सीखता गया। सोचा तो बहुत कुछ था पर फिर पढ़ाई आ गई और फिर बोर्ड्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, IIT के सपनों में मेरे कैमरे में आने का सपना कहीं धुंधला हो गया था। छूट गया मेरा DSLR मेरे हाथों से, छुप गए मेरे वो सपने किताबों के पीछे। पढ़ाई करी, दिन रात सुबह शाम लगाकर मेहनत करी और फिर हाँ, बन गए हम टॉपर और बन गए हम IITian। IIT में तो आ गए पर अब समझ नहीं आया करना क्या है। मैंने पढ़ाई करी, मुझे नाकामयाबी मिली। मैंने कोडिंग करी, मुझे वहाँ भी नाकामयाबी मिली। फिर डिज़ाइनिंग करी, वहाँ भी। फिर जब कुछ समझ नहीं आया, मैंने ऐसे कैमरा उठाया और बोलना शुरू किया हमारे समरान भाई के बर्थडे पे, और वीडियो एडिट करके यूट्यूब पे डाल दी। बचपन में वो कैमरे में आने का सपना पूरा करने का जुनून आया। 3, 2, 1, शाहरुख खान पोज, लेट्स गो। जब तुम पूरे दुनिया के सामने बता दोगे कि तुम YouTube पे हो तो ऐसे नॉर्मल यूट्यूबर बनने का क्या मतलब, कुछ धमाकेदार हो जाए। फिर हमने शुरू किया 365 डेज 365 वीडियो चैलेंज 13 नवंबर 2023 से। लोगों ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन चल जाएगा चैलेंज, एक हफ्ता, एक महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने। गैस वॉट, ये 231st वीडियो है और हमारे 7 महीने 17 दिन पूरे हो चुके हैं। तो हाँ भाई, चैलेंज अभी भी चल रहा है। काफ़ी लोग हंसे, काफ़ी लोग कहते हैं भाई क्या पागल है क्या, कैमरा लेके आ जाता है हर जगह। लोगों के ताने सुने, कुछ अपनों के चेहरे बदलते देखे, कुछ दूसरों के चेहरे बदलते हुए देखे, कुछ दूसरों का बात करने का नज़रिया बदलता देखा, पर हम सिर्फ अपना काम में लगे रहे। 15,000 से ज़्यादा बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस भी दी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि भाई पैसे नहीं ले रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी ज़्यादा लोगों की हेल्प कर रहा है, क्या NGO खोलना है क्या, JEE का, कर क्यों रहा है। क्योंकि मेरा सपना पैसा कमाना नहीं है। मुझे आज भी याद है जब मैं JEE के लिए मेहनत करता था, मैंने बहुत से लोगों को, बहुत से IITians, बहुत से यूट्यूबरों को मैसेज किया था कि भैया क्या प्लीज़ मुझे बताओगे कि भैया कैसे करना है, भैया प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर दो, थोड़ी सी गाइडेंस दे दो। मैंने बहुत से भैया लोगों को मैसेज किया था पर किसी ने मेरा रिप्लाई नहीं किया था। तो अब जब मैं वो भैया हूँ तो मैं उस बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे पता है कैसा लगता है उस जगह पर। तो हाँ, हम हर एक बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस देते हैं। YouTube पर भी देते हैं, Instagram पर भी देते हैं, Telegram पर भी देते हैं। तो ये है मेरा सपना। अब लोगों को लगता है कि हर कोई पैसों के लिए तो काम करता है, बिना पैसे कोई क्या ही काम करेगा कोई। हाँ, तो आज मैं कहूँगा कि आज हमने हमारी कमाई से, हमने अपना एक सपना सच किया है। अब खुद की कमाई से लिया है तो थोड़ा सा फ्लेक्स तो बनता है भाई। अ लॉट लवली पीपल, आप सबके सपोर्ट से हम इतने आगे आ गए और हमारा पहला सपना अपनी कमाई से पूरा करा। मम्मी पापा ने तो शुरू से सपोर्ट किया है, थैंक्स अ लॉट पापा, आपने मुझ पे भरोसा किया और मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया। मुझे ये तो नहीं पता कि कितना आगे जाऊंगा, अगर कुछ पता है तो बस आपका लड़का कभी हार नहीं मानने वाला। और कोई कोर्स एडिटिंग नहीं सीखी या वीडियोग्राफी का कोई कोर्स नहीं किया,
सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस से सीखा है। हर वीडियो एक आईफोन 13 128 GB से करी है। हाँ, मैं रोज़ वीडियो शूट करके रोज़ डिलीट करता हूँ और एडिटिंग भी सिर्फ एक मोबाइल ऐप से करता हूँ। अब मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, जब आप कुछ अलग करते हो तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको ताने देंगे, दुनिया आपको ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी। आप बस अपना काम करते चलना, क्योंकि ये दुनिया कभी नहीं चाहती कि तुम वो काम करो। लोग बस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि वो इस काम को नहीं कर सकते, तो उन्हें लगता है कि आप वो काम करो तो आप भी नहीं कर पाओगे। पर ऐसा नहीं होता, बस मेहनत खामोशी से करो और सफलता से शोर मचा दो। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि सपने देखो, सपनों के लिए मेहनत चालू करो, क्योंकि सपने पूरे होते हैं।